नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर शहर को अपराध मुक्त बनने के उद्देश्य से पुलिस लगातार रोड पर कई तरह से चेकिंग अभियान चलाती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में परदेशीपुरा व हीरानगर थाना क्षेत्र के 7 से 8 किलोमीटर के क्षेत्र में एडिशनल एसपी सीएसपी सहित थाना प्रभारियों ने पैदल मार्च निकाला और कई स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। इंदौर में पिछले दिनों सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से लेकर अन्य कई बड़ी घटनाएं शहर में सामने आई थी, जिसके बाद शहर के डैमेज कंट्रोल को लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से पुलिस विभाग सुधारने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में पूर्वी क्षेत्र के परदेशीपुरा व हीरानगर में एडिशनल एसपी शशिकांत कनकाने, सीएसपी निहित उपाध्याय सहित परदेशीपुरा थाना प्रभारी अशोक पाटीदार, हीरानगर थाना प्रभारी अजय नेमा सहित दोनों ही थानों के पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से पैदल मार्च निकाला गया। थाना क्षेत्र के करीब 7 से 8 किलोमीटर की तंग गलियों में पैदल मार्च कर लिस्टेड आदतन अपराधियों के घरों पर भी दस्तक दी गई और बदमाशों के परिजनों से पुलिस द्वारा चर्चा कर अपराध नहीं करने की हिदायत दी गई, ताकि शहर में शांति व्यवस्था कायम की जा सके और शहर को स्वच्छता में नंबर वन के साथ ही अपराध मुक्त कर नंबर वन बनाया जा सके। पैदल मार्च में परदेशीपुरा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक शातिर वाहन चोर को भी गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में खुलासा करते हुए उसके पास से पुलिस ने 2 चोरी किए वाहन भी जब्त किए गए। अब आरोपी से अन्य वाहन चोरी के बारे में परदेशीपुरा पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी हुई है, ताकि अन्य वाहन चोरी के मामले उजागर होने की संभावना है। डीआई सर के निर्देश के अनुसार सभी थाना क्षेत्रों में सभी अधिकारी, एडिशनल एसपी, सीएसपी, थाना प्रभारी और उनकी संयुक्त टीमें क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। भ्रमण के दौरान जो विशेष रूप से संदेहियों के स्थान है, जहाँ पर अराजक तत्वों के बैठने की सूचनाएँ मिलती है या जहाँ नशाखोरी होती है उन स्थानों पर, या ऐसे चेकिंग पॉइंट जहाँ पर असामाजिक तत्वों के होने की संभावना रहती है, तो पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है और वहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर कर चेकिंग की जा रही है। इसका मेन उद्देश्य है कि चूँकि त्योहारों का समय चल रहा है, ऐसे समय में लोग अधिक संख्या में बाहर घूम रहे हैं और ऐसे समय में कोई ऐसा असामाजिक तत्व या अराजक तत्व कोई घटना घटित ना करे, तो उसको देखते हुए इस प्रकार का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इससे पूरे क्षेत्र में पुलिस की उपस्थिति भी शाम के समय बनी रहे, ये भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। अभी लगातार चेकिंग चल रही है, कल चेकिंग के दौरान वाहन चोर भी पकड़े गए थे, आज भी अभी चेकिंग चल रही है, इसमें कुछ ना कुछ आवश्यक रूप से संदेह पकड़े जाएंगे, उसकी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।